राग कालेरो आओ बाला रामत रासनी कीजे आपण कंठड़े बाहुड़ी कान लीजे रे आवेख केम करी वाल्या ब्यारे वालैया अचराती धामधनी के स्वरों में रास की उस रामत का वर्णन होने जा रहा है जब इंद्रावती जी की आत्मा रास का श्रृंगार सजकर राज्य के समक्ष खड़ी है और कह रही है कि वह प्रीतम आप मुझे गले क्यों नहीं लगा लेते हो, आपने इतना सुंदर वेश धारण किया है, जब गले लगाने की बात आती है तो हमारे मन में संशय खड़ा हो जाता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म की वाणी में यह आलिंगन शब्द कहाँ से आ गया, ये तो अशिष्ट आचरण है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। मानवीय जो मनोभाव होते हैं सत्य रजतम के आधार पर सारे चित्रित होते हैं। एक वीरान स्थान पर उद्यान समझ लीजिए, दो युवक युवती खूब हंस करके बातें कर रहे थे। एक सच्ची घटना है, एक धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति आए और दोनों को फटकारने लगे, तुम लोग असभ्य हो, क्या कर रहे हो। युवक कुछ देर तो सुनता रहा, बाद में कहा कि महाराज आपको नहीं मालूम है यह मेरी सगी बहन है और विधवा हो गई है, इसका कष्ट दूर करने के लिए मैं इसको हंसा रहा था ताकि अपने पति का वियोग ये भूल जाए, आपके मन में कुछ बहम हो गया है। यह सुनकर उस महाशय को भी काफी खेद हुआ कि मेरे मन में ये पाप कहां से आ गया था कि दो भाई बहनों की पवित्र हंसी पर भी मैंने संशय कर लिया। यही अवस्था सामान्य प्राणियों की भी है, जब रास के अंदर ये वर्णन पाते हैं। अभी इंद्रावती जी कह रही है कि राज जी आप हमें गले क्यों नहीं लगा लेते हो, तो कोई भी जिसने दार्शनिकता में अपना जीवन गुजारा होगा वो सोचेगा कि क्या ऐसा संभव है। जो योग समाधि में लगे रहते हैं, किसी ने चित्त का रूप देखा, किसी ने मन का रूप देखा, किसी ने बुद्धि का रूप देखा, सूर्य के समान प्रकाशमय, वो सोचता है कि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया, एक झलक मिलती है, तो सोचता है कि मेरे जीवन का सर्वस्व प्राप्त हो गया। मृतक में प्रसंग आता है भाव सिंह के सामने, योग माया का दृश्य उपस्थित होता है, भाव सिंह उस तेज को सहन नहीं कर पाते हैं और शरीर छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राजा भाव सिंह अभी राजसी माहौल में पले थे, उन्होंने ध्यान साधना विरह से अपने को दूर रखा था, हृदय में इतनी पवित्रता नहीं थी कि उस राज्य के लीला के उस ब्रह्मांड के नूरी शोभा को आत्मसात कर सके, इसलिए शरीर छूट गया। अन्यथा यदि वो कुछ महीने तक राज्य का ध्यान कर लिए होते तो योग माया के उस तेज को आसानी से झेल सकते थे और उनका शरीर नहीं छूट सकता था। जागने किसको कहते हैं? रू नैनो दीदार कर, आत्मा के चक्षुओं से देखना, रूह जुबा हक सो बोल, रूह की जीवा से बातें करना, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो बातें सुने, यही पट रूह अर्श का खोल। ऐ मेरी आत्मा, तू रूह आत्मा के कानों से अपने प्राणेश्वर की मधुर आवाज को सुन। देखना, उनसे बातें करना और उनकी बातों को सुनना, ये अध्यात्म का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और उपलब्धि होती है कि दिल में प्रवेश कर लेना, मारिफत की अवस्था को प्राप्त कर लेना। मारिफत में क्या रह जाता है? कोई दूरी नहीं रह जाती। जो आशिक है वही मासूक हो गया, जो मासूक है वह आशिक बन गया। कैसे? एक संसारिक दृष्टांत से आपको मैं समझाता हूं तो ये बात अध्यात्म की अच्छी से समझ में आ जाएगी। एक चक्रवर्ती सम्राट है, कल्पना कर लीजिए,
बचपन में उसका पुत्र जब 2 साल की अवस्था में है किसी कारणवश खो गया है। आपने महाराजा छत्रसाल जी का भी जीवन वृतांत पढ़ा होगा, मालूम है जब सनंदा और चंपत राय पहाड़ी में छिपे थे, मुगल सेना ने उन पर हमला कर दिया था। अब जब बालक छत्रसाल बहुत कुछ ही दिन के थे, कुछ माह के, तो वो छोड़ करके उनको भागना पड़ा। उनका ध्यान नहीं रहा कि मैंने छत्रसाल को छोड़ दिया है। हमने मुगल सेना आई लेकिन उसकी नज़र छत्रसाल पर नहीं पड़ पाई। उसी तरह से ऐसी घटना मान लीजिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट का कहीं बालक 2 वर्ष का हो, खो गया हो और 15 वर्षों तक 12 वर्षों तक मिलन ना हुआ हो। वो बालक किसी बहुत गरीब के घर रहता हो, झोपड़ी में रहता हो, धूल से भरा हो, महाराजा के सामने चक्रवर्ती सम्राट है जो सोने के महल में रहता है, लाखों की सेना है, हीरे मोतियों के हार से सजा है, उसके सामने जब बालक आता है तो क्या करेगा? उसको मालूम नहीं है कि मेरा पुत्र है। किसी कारण से कुछ वार्ता हो, अचानक बीच में आकर कह दे कि इस बालक को मैंने इस अवस्था में पाया और महाराजा को ये बात स्मृति में आ जाए कि उस जगह पर तो मेरा ही बालक गुम हुआ था, कहीं वो मेरा पुत्र ही तो नहीं है। यदि वो पहचान लेता है तो चक्रवर्ती सम्राट क्या करेगा? आपको मालूम है जैसा एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है, उसको गले से लगाएगा ही, या नहीं देखेगा कि इसके शरीर पर तो फटे चिथड़े कपड़े हैं, इसके शरीर पर कोई सुंदरता नहीं, बालू के ढेर हैं, ये धूल भरी है। भले ही उसका शरीर गंदा हो जाएगा लेकिन उसको गले से अवश्य लगाएगा। क्यों? वो इस दर्शाना चाहेगा तेरा दिल मेरा दिल एक है, अब तुम्हारे सामने मैं पिता हूं, चक्रवर्ती सम्राट नहीं हूं। अध्यात्म की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? केवल एक झलक पा लेना सर्वोपरि उपलब्धि नहीं है। यदि आपने उसकी एक झलक चलते चलते पा ली, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर्वोपरि उपलब्धि नहीं है। सर्वोपरि उपलब्धि है उनके दिल में बैठकर। पहले आप उनको दिल में बसाइए, उनके दिल में इतनी डुबकी लगा लीजिए कि दोनों एक हो जाए, कोई अंतर नहीं रह जाए, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक झोपड़ी में रहने वाले उसके पुत्र में जो पर्दा मिट गया था कि एक सोने के महल में रहने वाला है, एक झोपड़ी में रहने वाला है। एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। चमेल सिंह राड़धना के रहने वाले थे, परमहंस थे, उनको संसार से पूरी तरह से वैराग्य हो गया। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के चरणों की छत्रछाया में उचितवनी में इतने डूब गए, दरवाजा बंद किया, मिलना जुलना बंद कर दिया। दिन पर दिन चितवनी गहराती गई। एक हफ्ते के बाद उन महाराज जी ने दरवाजा खुलवाया, गुरु शिष्य का पर्दा भी मिट गया। महाराज जी ने उनके चरण छुए, उन्होंने शेरपुर वाले महाराज जी के चरण छुए, दोनों गले मिले और चमेल सिंह ने अपना तन पूरा कर लिया, क्योंकि जो देखना था उन्होंने देख लिया था, सारी इच्छाएं पूरी कर ली थी। पहले ही कह दिया था कि महाराज जी मैं जागनी कार्य नहीं करूंगा, मुझे तो केवल राज्य को पाना है। और जैसे उनका हृदय तृप्त हुआ, उन्होंने, महाराज जी नहीं चाहते थे फिर भी उन्होंने अपना तन पूरा कर लिया। ये घटना क्या दर्शाती है? जो अक्षरातीत महाराज जी के दिल में बसते थे उसी अक्षरातीत को चमेल सिंह ने अपने दिल में बसा लिया। जब महाराज जी ने देखा कि इसकी आत्मा जागृत हो गई तो उसको परम धाम की भावना से महाराज जी ने भी उसको प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया चमेल सिंह जी को, और गुरु शिष्य के बंधन उस दिन टूट गए, दोनों गले मिलकर एक परम धाम के अद्वैत बंधन में हो गए। परम धाम की हर ब्रह्मात्मा दूसरी ब्रह्मात्मा के समकक्ष है, कोई वहाँ छोटा बड़ा नहीं होता। इस दुनिया में मर्यादा है। कैसी मर्यादा है? आप सुंदर साथ आएंगे तो मुझे प्रणाम कर लेंगे, मैं समझता हूँ अधिकतर लोग पैर छूते हैं, यदि मैं आपके पैर छूने लगूंगा आप मना कर देंगे, कोई ब्रह्मसृष्टि भी मना कर देगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक मर्यादा है। मैं सन्यास जीवन में हूँ और कोई गृहस्थ में होगा,
अध्यात्म के उस स्तर पर नहीं पहुंचेगा, पहुंचा होगा तो वो तो वही सोचेगा ना कि स्वामी जी सन्यासी हैं, उनसे पैर नहीं छुला सकते। और बात सही है, हमारी संस्कृत में कोई सन्यासी से अपने पैर नहीं छुला सकता, चाहे चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है वो परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी के दिल में बास कर रहे हैं, लेकिन वह तन जिसको दीक्षा दे चुका है, चमेल सिंह को पैर छू रहा है, भेद की रेखा समाप्त। आलिंगन का अर्थ क्या होता है? दो शरीर आलिंगनबद्ध हो गए। मैं मिट्टी के पुतलों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां जो आलिंगन होता है प्राय इसका आधार सौंदर्य होता है, संसार थोड़ा दिल बहलाना भी होता है, कुछ जो विकृत भावना वाले हैं। आत्मिक प्रेम के आधार पर भाई भाई गले मिलते हैं, मित्र मित्र गले मिलते हैं, पिता पुत्र गले मिलते हैं, ये सब होता है। पति पत्नी में भी जब सात्विक प्रेम होता है तो वो भी गले मिलते हैं, एक हृदय का प्रेम होता है, शरीर से मतलब नहीं होता है। लेकिन राज के जो ये शब्द हैं, आलिंगन चुंबन को देखते ही कोई भी सामान्य मानव जिसने केवल शुष्क ज्ञान की गंगा में गोता तो लगाया होता है लेकिन भाव विवलता से ध्यान समाधि से कोसों दूर रहता है, उसके लिए कठिन कार्य होता है। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो ध्यान साधना में रहते हैं उनके शरीर का आभामंडल ऐसा हो गया होता है कि उन्हें किसी से गले मिलने में बहुत कष्ट होता है। जो योगी अपने शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल लेते हैं और इसके बीच में उन्होंने उनको किसी ने छू दिया तो शायद उनको उस शरीर में प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाएगा। शंकराचार्य जी ने जब कामशास्त्र सीखने के लिए अमरुक राजा के तन में प्रवेश किया था तो अपने शिष्यों को निगरानी में रख दिया था कि मेरे शरीर को कोई स्पर्श न करने पाए। और यह भी बात होती है जब बड़े योगी कई कई दिन की समाधि लगा देते हैं तो किसी न किसी शिष्य को पहरे पर रख देते हैं कि मेरे हमारे शरीर को कोई छूने ना पाए। हाँ, उनके स्तर का कोई योगी होता है वो छू भी दे तो कुछ भी असर नहीं पड़ता, लेकिन हर कोई छू देगा तो समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि आभामंडल का प्रभाव होता है। अब एक तरफ राज्य हैं, एक तरफ परमधाम की आत्मा, सागर और लहर, सागर से लहर प्रकट हो रही है और लहर पुनः सागर में डूब जा रही है, दोनों में अंतर क्या हुआ? जैसे ये मेरा हाथ है, दायां हाथ और मेरा बायां हाथ, दोनों हाथ स्पर्श कर लिए तो इसमें कौन सा पाप हो गया? लेकिन यदि मैं इसी हाथ से किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श करूं, यदि वो पुरुष नहीं है, कोई बहन है, मेरा भाव कितना भी पवित्र होगा लेकिन संसार या समाज या धर्मशास्त्र इसकी स्वीकृति नहीं दे सकते कि मैं इस हाथ से किसी बहन को स्पर्श करूं। ये सबको मालूम है, मेरे तन में जो जीव बैठा है उस बहन के तन में भी वही जीव बैठा है, मेरे दिल में भी पवित्र भावना है, उसके दिल में भी पवित्र भावना है। फिर भी धर्मशास्त्र ये आज्ञा नहीं देते कि मैं सन्यासी का चोला पहनकर किसी बहन को स्पर्श करूं। कहने का तात्पर्य क्या है? अब संसार के सारे बंधन समाप्त हो गए हैं, इंद्रावती जी की आत्मा ने या परमधाम की अन्य आत्माओं ने बांसुरी की आवाज सुनकर शरीर को छोड़ दिया है, जो गुणमयम देह पंचभौतिक तन का पतन हो गया, ब्रह्मांड से परे चले गए योग माया के ब्रह्मांड में जहां सत्व रजतम है ही नहीं, सबके नूरी तन है, एक एक तन में एक एक नख के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, ऐसे ब्रह्मांड में जहां महारास की लीला हो रही है, सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप के साथ उस तन में प्रवेश किए हैं जिसमें अक्षर की आत्मा है, और वह तन अति सुंदर किशोर स्वरूप सामने धारण करके विद्यमान है। सभी जो निराकारवादी भी हैं वो भी ये मानते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, हाँ उस प्रकाश की आकृति नहीं मानते। कल्पना कर ली जाए थोड़े समय के लिए कि वही प्रकाशमय स्वरूप एक
अति सुंदर किशोर स्वरूप में परिणित हो जाए और जो दृष्टा है, देखने वाला है, वो चैतन्य भी एक सुंदर आकृति में प्रविष्ट हो, परिवर्तित हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा? पहले हम देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं, बोलने के बाद उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, दर्शन के बाद बोलना होता है, बोलने के बाद सुनना होता है, सुनने के बाद भी तो कुछ होगा, दूरी तो मिटानी होगी। शाश्वत प्रेम कहाँ होगा? अद्वैत में। शाश्वत आनंद कहाँ होगा? अद्वैत में। शाश्वत शांति कहाँ होगी? अद्वैत में। अभी तो एक प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है। जैसे अभी मैंने आपको बताया परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का दृष्टांत और चमेल सिंह का दृष्टांत। दुनिया के हिसाब से गुरु शिष्य हैं, एक तारतम लेने वाला है, एक तारतम देने वाला है। चक्रवर्ती सम्राट का मैंने दृष्टांत दिया, एक चक्रवर्ती सम्राट है, एक अबोध बालक जो 2 वर्ष की अवस्था में खो गया था। जब दोनों गले मिलेंगे पिता पुत्र, तो क्या होगा? दोनों की आंखें कुछ समय के लिए बंद हो गई होगी। वो सोचेगा कि मेरा पिता मिल गया जो इतने वर्षों से बिछड़ा था। चक्रवर्ती सम्राट सोचेगा कि मेरा पुत्र बिछड़ा हुआ था, वो मुझे मिल गया। दोनों अपने को भूल गए हैं, दोनों ने एक दूसरे के हृदय में प्रवेश किया। राजा अपने पुत्र की कुरूपता को नहीं देख रहा है, अपने संबंध को देख रहा है कि ये मेरा पुत्र है, और वो पुत्र भी देख रहा है कि ये चक्रवर्ती सम्राट संसार के लिए है, पहले तो वो मेरा है, मेरा पिता है, मुझे उसकी गोद में बैठने का अधिकार है, उसका सिंहासन भविष्य में मेरा ही सिंहासन होगा। अब यहाँ एक ही अक्षरातीत के हृदय के ही स्वरूप तो हैं सारे परमधाम के 25 पक्ष। अक्षरातीत का हृदय ही तो 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। अक्षरातीत का हृदय ही श्यामा जी के रूप में है, उनका हृदय ही सखियों के रूप में है। एक ही हृदय की लीला के रूप में सभी खूब खुशहालियाँ, 25 पक्ष, श्यामा जी सहित सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। न जाने 52 दिन की जुदाईगी का भी कष्ट पहले सालता रहा है, अब वो जब सामने है तो यही तो आवाज़ होगी जो दूसरे चरण में कहा है, आपड़ कंठटे बाहुटी कान लीजिए रे मेरे प्राणेश्वर, आप मुझे अपने गले से क्यों नहीं लगा लेते। संसारिक भावना में आप सोचेंगे अश्लीलता की गंध आपको आ सकती है, क्योंकि आप अश्लीलता वाले ब्रह्मांड में रह रहे हैं। आपके जीव ने लाखों जन्मों में अश्लीलता से भरे कार्यों को किया है, इससे जब आप उसको देखते हैं तो आपको क्रोध आता है। जो व्यक्ति जीवन भर शराब पीता रहेगा, बुढ़ापे में उसको शराब नहीं मिलेगी, पी तो सकता नहीं, कदाचित गरीबी आ जाए, पैसा भी नहीं है शराब पीने के लिए, दूसरे को शराब खरीदते हुए भी देखेगा तो 100 उपदेश देना शुरू करेगा, तुम्हें मालूम है ये शराब कितनी बुरी चीज़ है, क्यों पीते हो, तुम रोगी हो जाओगे। उसको यदि अकेले में उसको मिल जाए तो वो जरूर पिएगा, लेकिन दूसरों को उपदेश देगा। यही संसार की कहानी है। आपके मन, आपके चित्त में लाखों जन्मों के संस्कार हैं। आप देखेंगे सभी प्राणियों में आपको सुनने को भी मिलता है, बाघ जंगल में एक रहता है एक हिस्से में, यदि उसका ही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसको बुरा लगने लगता है कि कल को ये मेरा स्थान ले लेगा। हाथी अपने झुंड में जो गजराज कहलाता है अकेले रहना चाहता है, यदि उसका ही बच्चा हो बड़ा होने लगता है तो उसको बुरा लगता है। हथनी पैदा होती है तो उसको कोई आपत्ति नहीं। जंगल का बाघ नई उम्र के बाघों को मार डालना चाहता है कि जब तक मेरे शरीर में शक्ति रहेगी मैं अपने बराबर किसी को नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको जिस्म से लगाव है, तृष्णा है उसके अंदर। अभी मैंने आध्यात्मिक स्तर पर जो अलगाव होता है, ये अलिंगन होता है, जैसे कि मैंने बताया परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का, चमेल सिंह का एक दिव्य प्रेम है। संसारिक दृष्टांत से आपको कहूँ, नई उम्र में युवक युवतियों का विवाह होता है, उनमें शारीरिक आकर्षण होता है, लेकिन जब वो 75 साल के बूढ़े बुढ़िया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं
तब भी उनके हृदय का लगाव रहता है, लेकिन उस लगाव के मूल में इतने सालों का संबंध जुड़ा रहता है, शरीर का आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि शरीर में तो बुढ़ापे में कोई सुंदरता रह नहीं जाती, लेकिन पति पत्नी में व्यक्तिगत हृदय का लगाव इतना बना रहता है कि दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं चाहते। बूढ़ा बूढ़िए को याद करेगा, बुढ़िया बूढ़े को याद करेगी, उसको लगता है कि ये मेरे पति हैं। जो आज से 60 साल पहले विवाह हुआ था, 20 साल की 22 साल की उम्र में, उस समय भी लगाव था, 80 साल के हो जाने के बाद भी लगाव है, लेकिन उस लगाव में दोनों में अंतर होता है। उसी तरह से रास की इन रामतों के माध्यम से दर्शाया गया है प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होती है। जैसे आत्मजागृति का लक्षण क्या है, देवचंद जी को पहली बार दर्शन होता है जब बारात के पीछे जा रहे होते हैं, दूसरी बार दर्शन होता है जब चितवनी में अखंड ब्रज में उनकी सुरता पहुंच जाती है, तीसरी बार श्याम जी के मंदिर में दर्शन होता है, साक्षात परमधाम के आवेश स्वरूप से परमधाम के श्रृंगार में राज्य नख से सिख तक की शोभा के साथ दर्शन देते हैं, बातें करते हैं, उनके धाम हृदय में विराजमान भी हो जाते हैं, फिर भी वाणी कहती है आवेश जाको मैं देखे पूरे सुजोग माया की नींद हूँ। योग माया की निद्रा अभी भी है, पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ, जो वाणी में मार्फत की अवस्था का वर्णन किया गया है वो अवस्था दर्शन प्राप्त करने के बाद भी नहीं मिल पाई है। देवचंद जी के तन से अड़का लीला हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो मार्फत की अवस्था तब भी नहीं मिल पाई है कि श्यामा जी अपने को राज्य से एक रूप समझ सके। तभी वो बार बार पाते लिखवाते हैं कि राज्य आप मेरे से जागनी क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं, आप मीराज से क्यों करवाना चाह रहे हैं, ये नींद है, अज्ञानता है। रू अल्लाह करी बंदगी यामी उनकी मैं, तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग लिया हक पे, मांग क्यों रहे हैं, क्या आपने अपने से राज्य को अलग समझा है। मैंने आपको दृष्टांत दे दिया, संसारिक दृष्टांत, आध्यात्मिक उस बुद्धि को सुलझाने के लिए कि धूल में लिपटा हुआ जब एक 15 साल का युवक जो कई वर्षों से अपने चक्रवर्ती सम्राट रूप पिता से बिछड़ा था, जब अपने पिता के गले लगेगा तो क्या सोचेगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूँ, मैं झोपड़ी में रहने वाला सामान्य बालक नहीं हूँ। एक मैं और घटनाक्रम आपको बताता हूँ, आध्यात्मिक स्तर पर जो घटित होती है। मैं ये जो आलिंगन शब्द आया है जिस पर दुनिया की उंगली उठती है कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा क्या, राज्य को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है और सखियों को अंगना रूप में चित्रित किया गया है। अभी एक दिन स्टूडियो में बैठा था तो कुछ ये इंटरनेट पर बच्चों ने दिखाया, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था किसी मौलवी जी से कि अल्लाह ताला स्त्री हो या पुरुष। मौलवी जी तो बौखला गए थे, उन्होंने अपनी तरह से उत्तर दे दिया जो कुछ है, लेकिन ये देखिए वेदों में परमात्मा को स्त्रीलिंग में भी वर्णित किया गया है, पुल्लिंग में भी वर्णित किया गया है और नपुंसक लिंग में भी वर्णित किया गया है। परमात्मा के लिए कोई विभाजन रेखा नहीं है, परमात्मा को पुरुष रूप में कहेंगे तब भी चलेगा, स्त्री रूप में कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि परमात्मा इन सारे द्वंद्वों से परे हैं। जो आपकी चेतना है जीव, यहाँ जितने भाई बैठे हैं न जाने कितने जन्मों में स्त्री रह चुके हैं, और जितने यहाँ बहनें बैठी हैं कितने जन्मों में पुरुष रह चुके हैं, और इतना ही नहीं न जाने आपका जीव कितनी बार पशु पक्षी घोड़ा क्या क्या रह चुका है, आपको नहीं मालूम है। ये मिट्टी के पुतले को देखते हैं तो कहते हैं कि हम पुरुष हैं, हमारा ये नाम है, हमारा ये रूप रंग, ये तो मिट्टी का पुतला है। जब पक्षी उड़ जाएगा तो इस शरीर को जला देंगे, ये राख में मिल जाएगा। जब ज्ञान चक्षु आपके खुल जाएंगे तो लगेंगे कि अरे क्या मैं इस हड्डी मांस के शरीर को ही अपना रूप मान रहा था,
अब ये हड्डी मांस का शरीर तो सखियों का यही छूट गया। आप देख रहे हैं ना, बिजली का तार जा रहा है, प्लस प्लस दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा? ये सारी लाइटें समाप्त हो जाएंगी। माइनस माइनस जोड़ देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। प्लस और माइनस जब मिलेगा तो विद्युत धारा सही काम करेगी। एक प्रेम करने वाला है, एक प्रेम जिससे किया जा रहा है वो है। एक पुरुष रूप में होगा, एक स्त्री रूप में होगा। स्त्री समर्पण की प्रतीक है और पुरुष प्रेम करने वाले का प्रतीक है। उस एक ही परब्रह्म है, लीला रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। पूर्ण पुरुष कौन है? राज जी। श्यामा जी को भी पुरुष रूप में क्यों नहीं दर्शाया गया? एक तरफ वाणी क्या कहती है, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। राज जी को देखेंगे तो श्यामा जी दिखाई देंगी, श्यामा जी को देखिए तो राज जी दिखाई देंगे। मैंने कई बार पुराण संहिता के इस दृष्टांत को दिखाया है, चर्चा में भी मैंने वर्णित किया है। जिन्होंने पुराण संहिता को गहराई से पढ़ा है वो इस प्रसंग को जानते हैं। एक बार युगमाया के ब्रह्मांड में राधा ने श्री कृष्ण को इतने प्रेम से देखना शुरू कर दिया कि राधा का शरीर श्री कृष्ण का बन गया। श्री कृष्ण राधा को देखते देखते इतने प्रेम में खो गए, श्री कृष्ण का पुरुष तन राधा के नारी तन में परिवर्तित हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। क्योंकि जो जैसा संकल्प करता है वो वैसा होने लगता है। ये मैं समझता हूँ मेडिकल साइंस भी आज इसको मानने लगता है। आजकल जो युवतियाँ पुरुषों के वस्त्र धारण करती हैं तो काफ़ी कुछ उनके रहन सहन में, उनके हार्मोन्स में ऐसे बदलाव होते हैं कि उनकी आवाज़ भी बदलने लगती है, सब कुछ होता है। ये यहाँ का विषय नहीं है, मैं केवल दृष्टांत दे रहा हूँ। माधुरी भाव की साधना करते करते रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन हो गया था। एक माँ अपने बच्चे की हत्या नहीं कर सकती। बुद्ध और महावीर समाधि की उस अवस्था में पहुंच गए कि चींटी मारने से भी उनको कष्ट होता है। एक माँ अपने बच्चे को चांटा तो मार सकती है, लेकिन बुद्ध और महावीर एक चींटी को भी, एक वृक्ष की डाल को भी तोड़ने में उनको लगता है कि नहीं, इसके चेतन को कष्ट हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। उनका पुरुषत्व, जो गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ के रूप में थे, तलवार चला सकते थे, तीर चला सकते थे, वो दूसरों के तीर को तो अपने सीने पर झेल सकते हैं, लेकिन कभी किसी को तीर से मार नहीं सकते, चांटा से भी नहीं चला सकते। क्यों? सिद्धार्थ का जो पुरुषत्व था, सत्य की खोज में ध्यान करते करते नारीत्व की कोमलता में परिवर्तित हो गया। चैतन्य एक है, एक ही चैतन्य के मनोभावों के अनुसार ये शरीर की आकृति है। अध्यात्म कहता है कि शरीर की आकृतियों से जब आप परे हो जाएंगे तो आपको प्रेम के वास्तविक स्वरूप का बोध होगा, इसके पहले अब कुछ नहीं। इसलिए अब इंद्रावती जी के समक्ष राज जी अनंत प्रेम के स्वरूप में खड़े हैं। इंद्रावती की आत्मा कहती है कि राज जी आप मुझे गले से क्यों नहीं लगा लेते? हमने थयो अति मोहरे, ए वेख केम करी ल्याव्यारी वलैया, अमने थयो अति मोहरे। हे धामदिनी, आपने इतना सुंदर रूप धारण क्यों कर लिया है? आपके इस अति सुंदर स्वरूप से हमें लगाव हो गया है। जागनी किसको कहेंगे? राज जी ने सपने में दर्शन दे दिया, उसको आपने सब कुछ मान लिया, आपने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना बंद कर दिया, तो नुकसान किसको हुआ? आप किसी माध्यम से राज्य की झलक मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कदम और तो बढ़ाइए। देवचंद जी ने राज्य को 3 बार दर्शन किया फिर भी मार्फत की अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो अवस्था पहुंचती है संबत 1735 से, जब श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। इसके पहले उन पर माया, उनके ऊपर नीत का असर था, इसलिए कहा है आवेश चाकू मैं देखे पूरे से जोग माया की नींद हो। तभी उन्होंने कहा था कि मेरे तन से जागनी आपको करवानी पड़ेगी। जब इंद्रावती के समक्ष राज जी दर्शन देते हैं हफ्से में, कहते हैं कि इंद्रावती मुझे तुम्हारे तन से पर धाम की आत्माओं की जागनी करवानी है। इंद्रावती जी कहते हैं कि नहीं, ये कार्य मैं नहीं करना चाहती।
एक स्वरूप है जो जागने के लिए 69 पातियां लिखवाता है, और एक स्वरूप है जो कहता है कि मुझे जागने करने ही नहीं है, मैं तो केवल आपको अपने हृदय मंदिर में बसाए रखना चाहते हूँ। आजकल नगरों में जो संगीत के विद्यालय हैं या नृत्यशालाएं हैं, उसमें नृत्य सिखाया जाता है। मीराबाई कभी नृत्य करने नृत्य सीखने नहीं गई थी। मीरा का नृत्य स्वाभाविक है, रसखान का नृत्य स्वाभाविक है, कला का प्रदर्शन नहीं है। अध्यात्म के जिस स्तर पर रास ग्रंथ में जिस प्रेम का, जिस नृत्य का, जिस आलिंगन का वर्णन हो रहा है, वो संसार से अलग है। आप संसारिक धरातल पर सोचेंगे तो कहीं नहीं कहीं आपके चित्त में वो जन्म जन्मांतरों के बुरे संस्कारों का प्रभाव है जो आपने कर रखा है। मीरा महलों में पली बड़ी है, राजपूती मर्यादा में पली बड़ी है, लेकिन जब वो भक्तिभाव में डूबती है तो साधु संतों के बीच में नाचने लगती है। मीरा को अपना शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस मध्यकाल में राजपूती घराने में यह संभव नहीं था कि राजघराने की एक महिला प्राय अपरिचित साधु महात्माओं के बीच में नृत्य करें। मीरा का नृत्य दिखाने के लिए नहीं है। हम वाणी में जब पढ़ते हैं, मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों के नयन, तीन नयनों में राखू मां सुख को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। कितनी ऊंची बात कही है, लेकिन वाणी के अवतरण से कुछ साल पहले मीरा ने कितने भावों से कहा होगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल, नंदलाल मेरे नैनों में तुम बस जाओ। इसका भाव क्या होगा? जब कबीर प्रेम की मस्ती में डूबे तो क्या बोला? वाणी में कहा है, सब दरवाजे खोजे कबीरे, पैकुंठ शून्य सब देख्या, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। बैकुंठ तक संसार की मर्यादाएं चलती रहीं, ज्ञान के आधार पर निराकार तक संसार में के ज्ञानी जन भटका करते हैं। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, जब प्रेम की पुकार होती है तो शरीर से परे हो जाना पड़ता है। रसखान को जब प्रेम का नशा चढ़ता है तो क्या करते हैं? वृंदावन बिहारी के मंदिर में घुसे जा रहे हैं, पुजारी जी पूछते हैं कि अरे पठान जी क्यों घुसे जा रहे हो? रसखान जी कहते हैं कि मेरे कन्ना ने जूता नहीं पहनना है, मैं अपना जूता पहनाने जा रहा हूँ।